किसी भी चीज को पाना चाहते हो तो क्यों पाना चाहते हो, किसी भी चीज में आपकी इच्छा है तो क्यों इच्छा है, आप सक्सेस होना क्यों चाहते हो, आपको किस चीज से खुशी मिलती है। किसी भी चीज में टाइम लगता है दोस्त, जितना बड़ा उतना टाइम। ये तीन क्वेश्चन अपने आप से हमेशा पूछो कि आपको सक्सेस क्यों चाहिए। या तो आप मिट सकते हो या तो मिटा सकते हो। अपने अंदर अगर ऐसी आग है तो किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहला काम रोना रोना छोड़ दो कि मेरे पास ये अभाव वो अभाव, ऐसा नहीं वैसा नहीं। दूसरी बात, जितना भी संकट का काल चल रहा हो, अपने अंदर खुद पे तो काम कर सकते हो ना, अपने अंदर खुद में तो आग लगा सकते हो ना। तो जब भी आपको मन न लगे, एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, रात में जब भी आप सोते हो, सुबह 6 बजे उठने का वादा करते हो ना कि अब तक हमने इतने दिन पड़े रहे कुछ नहीं किया, अब कल से ना एक अलार्म लगाता हूं सुबह 6 बजे 7 बजे, आज जब भी अलार्म लगाते हो आप कभी भी सुबह नहीं जग पाते। आपके पास ऑप्शन होता है कि आप ऑप्शन में उसे दबाने का ऑप्शन है कि आप सुबह ना उठने का ऑप्शन है या आप उसको बंद करने का ऑप्शन है। आपको 10 मिनट बाद अलार्म लगाने का ऑप्शन है, 1 घंटे बाद लगाने का ऑप्शन है। यानी जहां पे ऑप्शन है वहां पे काम में सफलता नहीं मिलती है। आपके पास ऑप्शन है कोई उठाने वाला आ जाएगा, आपके पास ऑप्शन है कोई जगाने वाला आ जाएगा, इसलिए आप जगते नहीं हो और चूंकि आप ऑप्शन तलाश लेते हो। तो सबसे पहली बात यह है कि आपके अंदर ऑप्शन है तो सफलताएं बाधक मिलती है और हमेशा काम चलता रहता है। इसी प्रकार लाइफ में जो चाहिए, जिंदगी में जो चाहिए, उसके लिए आपने क्या प्रयास किया अब तक। इतने दिन आपका उम्र जो भी रहा हो, आपका उम्र 70 साल तक 80 साल तक काम करने का है, क्या ये 70-80 ईयर तक जो आप काम कर पाएंगे या करने में सक्षम है। तो आज आपकी उम्र 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, 40 साल है, कहां तक पहुंचे और आप अपने एम में कहां तक सक्सेस हुए, क्या आपने अपने आप से पूछा है कि आपके पास काम करने के लिए कितना समय और बचा है। अपने आप से पूछा है आपका लाइफ कितना और अधिक समय और आपके लिए प्रयास करेगा, आपका जीवन आपके लिए कितना और साथ देगा, क्या आप अपने आप से कोई पूछा है। नहीं ना, तो हमेशा आप अपने आप से एक चीज पूछो कि आखिर सफलता प्राप्त करने के लिए मुझे कितना और कदम आगे बढ़ाना है, मैं कितना सफल हुआ हूँ, कितना असफल हुआ हूँ, इस पर हिसाब किताब करके आज से और अभी से ही प्रण लेना होगा कि आखिर मुझे सफलता क्यों चाहिए और सफलता प्राप्त करना चाहता हूँ तो किस चीज से मुझे खुशी मिलती है। असफलता का मतलब ये नहीं होता कि मैं ये प्राप्त कर लिया, मैं वो प्राप्त कर लिया। सफलता का मतलब ये होता है कि आप अंदर से कितने खुश हैं, आपको खुशियाँ किस चीज़ में मिलती है और अंदर से कितने उत्साहित हैं। जितना उत्साहित उतना बड़ा खुशी और उतनी बड़ी सफलता। बड़ा संपत्ति मिलने से, बड़े बड़े रोजगार मिलने से, बहुत कुछ हो जाने से व्यक्ति सफल नहीं हो जाता। सफल जब तक आत्मिक शांति ना हो, शारीरिक शांति ना हो, मानसिक शांति ना हो, तब तक खुशियाँ नहीं होती। बड़े बड़े सपने देखने से नहीं, आप उन सपनों के लिए क्या करते हो। तो आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप सक्सेस होना क्यों चाहते हो। अभी अभी कॉपी पेन उठाओ और लिखो अपने पास कि मैं सक्सेस होना इसलिए चाहता हूँ। आपको किस चीज़ से खुशियाँ मिलती है, लिखो एक डायरी में, पेन डाउन करो और लिखो कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है। जिससे खुशी मिलती है उसको तलाशो और उसके प्रति आज आपको एक मंत्र दे रहा हूँ। उस मंत्र को उच्चारित करो कि जिस चीज़ को चाहते हो ना उसमें अपना तन मन धन, यानी तन मन धन क्या होता है, तन मन का मतलब होता है पूरे सिरों से, दिमाग से, और उसके लिए धन भी खर्च करना पड़े, उसके लिए अगर धन भी लुटाना हो, जिस चीज से खुशी मिलती है तो लुटा दो। उसके लिए आगे बढ़ने के लिए आपको नौकरी चाहिए, एसएससी चाहिए, यूपीएससी चाहिए, करोड़पति बनना है, किस चीज से खुशी मिलती है, गाड़ी चाहिए, बंगलो चाहिए, क्या चाहिए, तो जिस चीज से खुशी मिलती है उसके लिए ना थोड़ा सा प्रयास करना शुरू कर दो, उसको चाहत बनाओ। हम कहते हैं ना कि जिस चीज़ को चाहते हैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जिस चीज़ को हम चाहते हैं उसके लिए सोचते हैं, और जब सोचते हैं तो विचार बन जाता है, और विचार बनने से वैसा इन्वायरमेंट बनता है, वैसा वातावरण बनता है, और आपके पास वैसे ही लोग जुड़ना शुरू कर देंगे जिस चीज़ को आप चाहते हो। तो मेरे दोस्त, जिस भी चीज़ को चाहते हो, अपने जीवन में जिस चीज़ को उतारना चाहते हो, जब भी समस्या कितनी विपरीत क्यों ना हो, अपने अंदर एक आकर्षण क्षमता डेवलप करो। जब पूरी दुनिया भी संकट में जूझ रही हो, जब पूरा दुनिया फत में हो, तो फिर भी आप अपने आकर्षण कम मत करो, अपने हिम्मत को कम देखो। जहां कहीं भी हो, और बेहतर और बेहतर और बेहतर करने का प्रयास करें। जब भी ये मौका खुलेगा, जब भी अवसर आएगा, तो सबसे पहले नंबर आपका होगा। जब भी अवसर आएगा तो फिर आपको रोक नहीं पाएगा, आप ही विजेता बनोगे। क्योंकि जब लोग सो रहे होते हैं, जब दुनिया आलसी बनी हुई है, जब सब लोग घर में सोए हैं, तो आप कर्म कर रहे हो, अपने ऊपर खर्च कर रहे हो, अपने जिज्ञासाओं के ऊपर, अपने मानसिक शांति के ऊपर, अपने आकांक्षाओं के ऊपर, अपने ऊपर आप दिमाग लगा रहे हो।
रहे हो तो फिर आप ही तो सबसे आगे जाओगे ना, आपको टक्कर में कोई नहीं आने वाला है। तीसरी चीज है, किसी चीज को प्राप्त करने में धैर्य को ना खोएं, अपना पेशेंस बनाए रखें। ये नहीं कि अभी तो संकट है सर क्या होगा, सफलता है तो जरूर मिलेगी। अपने अंदर वो चीज जलाए रखें, दीपक हमेशा जलाए रखें अपने अंदर। चिंगारी आज नहीं किया कोई बात नहीं, कल नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो एक कदम तो चलाना। हमेशा सोए मत रहो, एक कदम ही चलो, एक घंटा ही काम करो, दो घंटे ही काम करो, जितने देर काम करते हो बस करते रहो। एक कदम ही चलाना, बहुत चला, लेकिन अपने आप को निठल्ला और नल्ला मत छोड़ दो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। कोई भी तरह का चीज आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगा जब तक आप अंदर के आपके अंदर आग नहीं लगेगा, अपने अंदर वो खुशियाँ नहीं तलाशोगे जब तक वह चीज आपको नहीं मिलेगा जिस चीज को आपको चाहना है, जो चीज आपको अट्रैक्ट करती है, जिस चीज को आपको अट्रैक्शन हो उस चीज के प्रति इतनी आसक्ति पैदा कर लो कि आप उसके लिए काम करना शुरू कर दोगे। मेरे दोस्त, जब भी आप लगोगे किसी भी चीज में प्रयास करना करने का प्रयास करोगे, जब भी आप आगे बढ़ने का प्रयास करोगे तो हमेशा हमेशा आपके लिए कुछ परीक्षाएं चलेंगी। कुछ लोग परीक्षा लेंगे, कुछ लोग पैर खींचने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है क्योंकि समय लगता है। जब भी कोई बड़ा काम करते हैं, एक कुत्ते के जो बच्चे होते हैं, एक उसके बच्चे 3-4 महीने में आ जाते हैं, लेकिन हाथी का बच्चा बड़ा होता है, वो जब पैदा होता है तो उसमें टाइम लगता है। तो जब भी कोई चीज़ बड़ा पैदा होता है ना तो उसमें टाइम लगता है। आपकी सफलता कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है, उसी हिसाब से टाइम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि किसी चीज़ को पाने में टाइम देना पड़ता है। हो सकता है आप नसीब को मानते हो सकता है आप किस्मत को मानते हो, किस्मत में लिखा रहेगा यह मिल जाएगा, अरे क्या पता किस्मत में यह लिखा है कि कर्म करोगे तभी मिलेगा, ये किसने जाना है। इसलिए आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, कर्म की सीमा जहां समाप्त होती है वहीं से भाग्य की सीमा शुरुआत होती है। जहां से कर्म का सीमा समाप्त हो जाएगा वहीं से भाग्य के दरवाजे छोड़ आप शुरू हो जाएंगे। ऐसा कहीं मत करना कि आप कर्म करना छोड़ना, क्या पता कि आपके भाग्य के दरवाजे खुलने ही वाले थे और आपने कर्म करना छोड़ दिया। इसलिए हमेशा आप ना तो किस्मत को माने ना कर्म को माने, आप अपना कर्म करते रहें, भाग्य में जो लिखा होगा देखा जाएगा। ना आपने देखा ना किसी और ने देखा, किसी ने इसको जो है अवसर को हमेशा पकड़ने का सबने प्रयास किया है, लेकिन अवसर के लिए तैयारी करने का प्रयास किसी ने नहीं करते। यानी आप अवसर को देख रहे हो, आपको लगता है कि अवसर को झपेट लें, अवसर को पकड़ लें, लेकिन उसके लिए हमने क्या किया है, क्या चैन खोया है, क्या नींद खोया है, क्या अपने आप में हमने अपने आप को उसके लायक बनाया है, क्या समय आने पर अपने आप को योद्धा कहलाने लायक है। अगर है तो प्रतिदिन उसके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यानी आप एक वीर पुरुष, एक योद्धा बनना चाहते हैं, एक बॉर्डर पर लड़ना चाहते हैं, तो आपको आलसी और सोना नहीं होगा, प्रतिदिन 4 मिनट करके आपको रिहर्सल और प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ताकि युद्ध क्षेत्र में आप जब भी उतरें तो अपने सामने वाले दुश्मन को मात दे सकें। इसलिए जब भी आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता हो, अवसर को मौका मिलता हो, तो अपने आप पर खर्च करें, अपने आप को तराशते रहें। अपने आप को इस समय सोने का नहीं है, अपने बॉडी को फिट करने का है। अपना बॉडी फिट करें, माइंड फिट करें, शरीर फिट करें, हमेशा सोए न रहें। हमेशा आप रिंग पर बजते रहते हैं, आप बंद में फिर से सो जाते हैं, सुबह सुबह फोन पर लगे रहते हैं, आप अपने कर्म क्षेत्र में कोई काम नहीं कर पाते, तो एक बार लग जाना है। और जब भी आपका मन निराश हो, इस वीडियो को दोबारा तिबारा सुनते रहें, आपके अंदर जोश आ जाएगा, आग लग जाएगा, जिद्दी बनना है, इतिहास देना है, जिद्दी बनना है, मुझे चाहिए तो चाहिए तो चाहिए। यानी जो चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए वह आपको मिल के रहता है, और वह चीज़ आपको मिलेगा ही मिलेगा, बस एक बार अपने अंदर जिद्दी पैदा करना है, आग लगाने की सोचना है। और जब जिद्दी बनेंगे, अपने अंदर आग लगाने की बात सोचेंगे, वह चीज़ आपको मिल कर ही रहेगा और हमेशा आप प्राप्त करके रहेंगे। इस वीडियो को ना हमेशा की तरह सारे बच्चों को, सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। हर बच्चा इस समय आलसी बना हुआ है, हर बच्चा निराश हो रखा है, किसी को निराश नहीं होना, आप अपने अंदर में ही आग हैं, आप खुद चिंगारी हैं। इस चिंगारी के बल पर आप चाहें तो तूफान मचा सकते हैं, आप इतनी क्षमता है चिंगारी पैदा करने के लिए। सारे लोगों को आग लगाइए और आग लगा कर हर चीज को देखिए, आप कितना महान बन सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, जो चाहें वो मिल सकता है आपको, बशर्ते अपने अंदर चाहत और उमंग पैदा करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से मिलते हैं एक नए उत्साहपूर्ण वीडियो में। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।